हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लो वाइट्स 906। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। सेक्शन 4 जो है वो डिफाइन करता है पार्टनरशिप को, पार्टनर को, फर्म को और फर्म के नेम को। पार्टनरशिप इज ए रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसको ना हम ब्रेक डाउन करके समझने की कोशिश करते हैं कि पार्ट इससे चार पांच इंग्रेडिएंट निकल कर आते हैं। पहली चीज तो क्या है, पार्टनरशिप एक रिलेशन है। रिलेशन किसके बीच में है, पर्सन्स के बीच में है। तो यहां से दो इंग्रेडिएंट निकल कर आते हैं, एक तो रिलेशन, एक पर्सन, और दूसरा क्या, तीसरा क्या निकल कर आता है कि वो शेयर करते हैं प्रॉफिट और कैरी ऑन करते हैं बिजनेस को और ओन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। यहां से म्यूचुअल एजेंसी का कंसेप्ट निकल कर आएगा। एक एक करके हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि पार्टनरशिप इज ए रिलेशन, ये एक रिश्ता है। किस तरीके का रिश्ता है, ये एक कॉन्ट्रैक्ट से फॉर्म होने वाला रिलेशन है। ये किसी भी स्टेटस के द्वारा आपको रिलेशन नहीं मिला है कि आपके भाई लगते हैं, वो आपके पापा लगते हैं, इस वजह से आपको प्रॉफिट मिल रहा है। ऐसा कोई भी रिलेशन नहीं है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप दो पर्सन्स के बीच में, मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, दो पर्सन्स की है। दो पर्सन्स के बीच में एग्रीमेंट होता है, उस एग्रीमेंट से पार्टनरशिप फॉर्म होती है। और पार्टनरशिप किस पर्पज के लिए होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए पार्टनरशिप का, वो किसी न किसी बिजनेस को कैरी ऑन करने के लिए होनी चाहिए। और बिजनेस कैरी ऑन करने का पर्पज क्या होना चाहिए, उससे प्रॉफिट अर्न करना आपका पर्पज होना चाहिए। और प्रॉफिट को क्या करोगे, आप शेयर करोगे। इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये ध्यान देने की है कि यहाँ पे लॉस शेयर के बारे में कुछ भी नहीं बोला गया है। क्यों नहीं बोला गया है, हो सकता है आप एक पार्टनरशिप एस्टेब्लिश करना चाहते हो और आपको लगता है कि एक एक्स पर्सन है जिसके पास एक्सपर्टीज है, आप उसको एनी हाउ अपने बिजनेस के अंदर शामिल करना चाहते हो, लेकिन उसको डर है सामने वाले पर्सन को कि हो सकता है मेरा लॉस हो जाए, तो आप उसके साथ इस तरीके से एग्रीमेंट फॉर्म कर सकते हो कि प्रॉफिट होगा तो हम हाफ हाफ रखेंगे और अगर लॉस होगा तो सारा का सारा लॉस मैं बियर करूंगा। इस वजह से ये प्रोविजन रखा गया है कि प्रॉफिट का यहाँ पे शेयर होगा, लॉस शेयर के बारे में कोई भी चीज नहीं बोली गई है। यहाँ पे प्रोविजन जो है वो साइलेंट है। हमने पहला इंग्रेडिएंट देखा कि रिलेशन किस तरीके का होता है पार्टनरशिप में। दूसरा इंग्रेडिएंट है पर्सन्स। पार्टनरशिप एस्टेब्लिश करने के लिए कम से कम दो पर्सन्स की रिक्वायरमेंट होती है। अब पर्सन के अंदर लीगल पर्सनैलिटी भी आती है, जिसको ज्यूरिस्टिक पर्सन बोलते हैं। जैसे कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, वैसे ही एक नेचुरल पर्सन होता है। तो दोनों ही पर्सन्स इसके अंदर शामिल होंगे, लीगल पर्सन भी और नेचुरल पर्सन भी। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, क्या एक कंपनी जो है वो किसी पार्टनरशिप में एक पार्टनर की तरह काम कर सकती है या नहीं कर सकती है। तो आंसर होगा इसका कि वो पार्टनर की तरह काम कर सकती है। तो क्या एक पार्टनरशिप फर्म दूसरी पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनर बन सकती है कि नहीं बन सकती है, नहीं बन सकती। उसके पीछे लॉजिक ये है कि पार्टनरशिप जो है वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। पार्टनरशिप एक जस्ट फॉर्मुलेशन किया गया है ताकि बिजनेस को स्मूथली रन किया जा सके छोटे लेवल पे। तो लीगल पर्सन जो कंपनी होती है वो तो पार्टनर बन सकती है किसी भी दूसरी पार्टनरशिप फर्म के अंदर, लेकिन दूसरी पार्टनरशिप फर्म की आपस में पार्टनर्स नहीं बन सकती हैं। ऐसे ही एक क्वेश्चन ये अराइज होता है, क्या जो हिंदू ज्वाइंट फैमिली होती है जिसमें कर्ता होता है, जो हेड होता है कर्ता, वो रिप्रेजेंट करता है हिंदू ज्वाइंट फैमिली को, क्या वो बीइंग ए कर्ता किसी पार्टनरशिप फर्म में हिंदू ज्वाइंट फैमिली को रिप्रेजेंट कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो इसका आंसर भी यही है कि वो नहीं कर सकता है। इसके पीछे लॉजिक ये है, दोनों को गवर्न करने वाले एक्ट जो हैं वो डिफरेंट है। एक गवर्न किया जाता है पार्टनरशिप एक्ट से और दूसरा गवर्न किया जाता है हिंदू एक्ट से, ठीक है। तो क्वेश्चन ये अराइज होता है, क्या एक पार्टनरशिप फर्म दूसरे पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बन सकती है या नहीं बन सकती है। एक जॉइंट फैमिली जो है किसी पार्टनरशिप फर्म का पार्ट हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो हो सकती है, लेकिन दोनों ही पार्टनरशिप फर्म के सारे इंडिविजुअल मेंबर्स को सेपरेट एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा, तब जाकर के वो
ऐसे पार्टनर बन सकती है। दो पार्टनरशिप फर्म का मर्जर हो सकता है, लेकिन दो पार्टनरशिप फर्म किसी एक इंडिविजुअल के थ्रू एक दूसरे के अंदर पार्टनरशिप को रिप्रेजेंट नहीं कर सकती हैं। दूसरा इंग्रेडिएंट जो मैंने बता दिया था कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट के लिए होता है, कोई भी बिजनेस अगर आप कैरी ऑन करना चाहते हो, आपका ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा पार्टनरशिप के लिए कि आपको वहां से प्रॉफिट अर्न करना है और उस बिजनेस को कैरी ऑन करना है। कैरी ऑन करने से मतलब क्या है, आप उसको डोरमेंट स्टेज में नहीं रख सकते हो पार्टनरशिप को, आप कुछ ना कुछ क्या करोगे, बिजनेस को कैरी ऑन करोगे। अब इम्पोर्टेंट लाइन जो है यहाँ पे ये निकल कर आती है, ओन और बाई ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, मतलब एक पार्टनर सबके बिहाफ पे काम कर सकता है या तो सारे के सारे पार्टनर मिल करके उस पार्टनरशिप फर्म में काम कर सकते हैं। इसको इस तरीके से समझते हैं, सपोज करो मेरी एक पार्टनरशिप फर्म है और उसमें 5 मेंबर हैं। अब 5 मेंबर्स ने किसी ने फंडिंग दे रखी है, किसी ने कुछ दे रखा है, किसी के कुछ एक्सपर्टीज हैं और उन सब के बिहाफ पे मैं काम कर रहा हूँ, मैं हूँ एक्टिव पार्टनर उस पार्टनरशिप फर्म में, बाकी सब एक्टिव पार्टनर नहीं है, उनकी फंडिंग्स हैं, तो क्या ये पार्टनरशिप है या नहीं है? यहाँ पे पार्टनरशिप एस्टेब्लिश होती है क्योंकि उन सब के बिहाफ पे कौन काम कर रहा है, मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहीं से एक कंसेप्ट अमर्ज होता है जिसको बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी, जिसको आप सेक्शन 18 के अंदर पढ़ोगे जिसमें लिखा गया है पार्टनर टू बी द एजेंट ऑफ फर्म। पार्टनर क्या होता है, फर्म का एजेंट होता है। पार्टनरशिप जो है वो एक एग्रीमेंट के बेसिस पे ही बनती है। अब यहाँ पे एग्रीमेंट को डिफाइन नहीं किया गया पार्टनरशिप एक्ट के अंदर, तो मीनिंग कहाँ से लेंगे हम इसका, इसका मीनिंग बोरो करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 2E के अंदर डिफाइन किया गया कि एग्रीमेंट होता क्या है। ठीक है, और सारे के सारे वो एग्रीमेंट जो कि एनफोर्सिएबल बाई लॉ हैं वो क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। आप कोई भी पार्टनरशिप फर्म ऐसी नहीं बना सकते जो कि वॉइड एब इनिशियो हो, इलीगल पर्पज के लिए आप क्या नहीं कर सकते हो, पार्टनरशिप फर्म नहीं बना सकते हो। दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट जो है, कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन जिस तरीके से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर दे रखी है, वही डेफिनेशन हम इस एक्ट के अंदर भी बोरो करेंगे। सेक्शन 10 डिफाइन करता है कि कौन से एग्रीमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे और कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके से फॉर्म होता है, तो वहां पे डिफाइन किया गया है सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर कि जो एग्रीमेंट है फ्री कंसेंट से होना चाहिए पार्टीज की, कॉम्पिटेंट होने चाहिए, ऑब्जेक्ट उनका अनलॉफुल नहीं होना चाहिए और कुछ ना कुछ कंसिडरेशन भी होनी चाहिए, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट ही वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आते हैं। तो यहाँ से ये चीज समझने की आती है कि जो पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप के अंदर माइनर जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है, एक मेजर ही कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है और कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे ही क्या बनती है, पार्टनरशिप बनती है। अब ये तो था कि पार्टनरशिप होती क्या है, अब पार्टनर कौन होता है। सपोज करो मेरी एक शॉप है गारमेंट्स की और उसमें 5-6 एम्प्लॉय मैंने रखे हुए हैं और मैं उनको सैलरी पे ना करके कुछ ना कुछ कमीशन दे रहा हूँ कि आप 50 शर्ट बेचोगे तो आपको ये कमीशन मिलेगा। एक तरीके से मैं शेयर ही कर रहा हूँ प्रॉफिट को, क्या वो सारे के सारे पार्टनर हो जाएंगे? जी नहीं, पार्टनर वो होंगे जो कि कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेंगे, जिनके साथ मैं प्रॉफिट शेयर करूंगा, जो म्यूचुअल एजेंट होंगे और वही सब क्या होंगे, पार्टनर होंगे किसी भी पार्टनरशिप फर्म के। तो पर्सन हु हैव एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप विद वन अनदर आर कॉल्ड इंडिविजुअल पार्टनर्स, और कलेक्टिवली उन पार्टनर्स को क्या बोल देंगे हम, फर्म बोल देंगे। पार्टनरशिप फर्म भी बोल सकते हैं और उसी को हम क्या कह सकते हैं, फर्म भी कह सकते हैं। एंड द नेम अंडर विच देयर बिजनेस इज कैरिड ऑन इज द नेम ऑफ द फर्म, और जिस भी नेम के अंडर में वो बिजनेस को कैरी ऑन करेंगे वही क्या हो जाएगा, फर्म का नेम हो जाएगा। आई होप आपको सेक्शन 4 जो है वो समझ में आया होगा। सेक्शन 4 के अंदर डेफिनेशन बताई गई है पार्टनरशिप की, पार्टनर क्या होता है, फर्म क्या होता है, फर्म का नाम क्या होता है, ये सब बताया गया है। इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माई चैनल प्लीज सब्सक्राइब इट, इफ यू लाइक माई वीडियोज प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। I don't give a fuck what you say.